गुरु गोरख सुमिरन करूं जहर वीर महाराज, शरण वीरेश कुमार है सुरखियो इसकी लाज। पंकज प्रजापति स्टूडियो की नई पेशकश। अपने अपने घरन के कोई सब काऊ को पीर, उन्हें पीर सब घरन की सो जय जय गो गावी। आदरणीय समस्त श्रोता बंधुओं, श्री जाहरवीर महाराज के विवाह की कहानी लेकर के चल रहे हैं। आइए देखते हैं श्री जाहरवीर महाराज के विवाह के बारे में। बोलो गुरु गोरखनाथ की। भैया राजस्थान प्रांत में बागर शहर में ददरेवा गांव के राजा महाराज उमर सिंह हुए और उमर सिंह के दो पुत्र हुए जेवर सिंह और नेवर सिंह। एक पुत्री थी जिसका नाम छबील देवी। उमर सिंह ने अपने दोनों राजकुमारों की शादी हरियाणा में सिरसा पाटन नगर के राजा कुमार पाल की बड़ी पुत्री बाछल के साथ की, जेवर सिंह की शादी, और छोटे पुत्र नेवर सिंह की शादी काछल के साथ की। राज का बंटवारा कर दिया। जेवर सिंह ददरेवा के राजा बने। बड़ी अच्छी तरीके से जेवर सिंह ने राज चलाया, लेकिन इनके संतान नहीं हुई। गुरु गोरखनाथ की महान कृपा से माता बाछल ने एक पुत्र की प्राप्ति की जिसका नाम जाहरवीर रखा गया। जाहरवीर का जन्म हो जाने के बाद धीरे धीरे इनकी उम्र लगभग 16 वर्ष की होती है। एक दिन अपने बंगले में सो रहे थे, सपना हुआ। सपने को देखकर जाहरवीर बेचैन हुए। सुबह होते ही अपनी माँ बाछल के पास पहुंचे। पूजा करी जाहर चले, दिल में रहे सकुचाए, थोड़ी देर के बाद में महल में पहुंचे जा, महल में पहुंचे जाए मात से कई समझाई, सुंदर सी सुकुमारी मात सपने में आई। भैया आज मैंने बहुत सुंदर राजकुमारी देखी। बोले अरे माता मिन सपनो देखो और सपने में देखी सीरियल नारी, सपने में गए थे हम समुदा के पार, मिली मोई सुंदर राजकुमारी, संग बक चौपड़ी खेली सपने में देखी सीरियल नारी। समुद्र पार तन्नो नगरी के राजा संजय की पुत्री सीरियल बाग में मिली, चौपड़ का खेल खेला, लेकिन हार गई सीरियल सुकुमारी, हमारियां फिर सारे तीन डारी, आंख मेरी तब तक खुली गई सपने में प्याई सीरियल नारी। We'll be right back.
उस राजकुमारी से मेरी 3.5 भामरे पड़ गई। मां समझाने लगी, बेटा तुम ये क्या कह रहे, सपने सही नहीं होते। समझाने लगी, सपने सही नहीं, बताऊं तो ही प्रभु की लाली, सपने में भिकारी है जाए रे भूपौ जंजारी। भिखारी के सपने में राजा बन जाते हैं। जारवीर कहने लगे, मैया इसका मतलब तुम हमें जाने नहीं दोगी। जारवीर कहने लगे, मैया ये तुम दुनिया भर की बातें छोड़ दो, मां समझा रही, मान जाओ। मती जइयो जाहर पीर तंदुलंगरी को, जारवीर कहने लगे, मैया अरे तुम मुझे वहां जाने के लिए कोई घोड़ा बता दो जिसके सहारे से मैं तन्नो लगरी पहुंच जाए।
माँ बोली, बेटा घोड़ा तुम्हारी घुड़सार में होंगे। जारवीर अपनी घुड़सार में जाते हैं और जिस घोड़े अपना अपना हाथ रखते हैं भाई, घोड़ा अपनी नार को नवा जाता है। जारवीर के काबिलों में कोई घोड़ा नहीं मिलता है। लौट करके माता बाछल के पास में आ जाते, बोले मैया उनमें मेरे काबिल कोई घोड़ा नहीं है, और कोई घोड़ा हो तो बताओ। माँ समझाने लगी, बेटा तुम अपने पिता की घोड़ी को लेते जाओ। जारवीर कहने लगे, मैया अरे तुम ये क्या कह रही हो, पिता की नीली घोड़ी को बता रही हो। अरे जा घोड़िया बाबूला चढ़े मैया, सुन ले की तलाई। माँ समझाने लगी, बेटा गोरखनाथ की दी हुई जिस गूगल से तुम पैदा हुए हो, उसी गूगल से एक नीला बछेड़ा पैदा हुआ है। यदि वो तुम्हारे काबिल हो तो तुम उसे लेते जाओ। जारवीर घोड़े के पास पहुंचे, नीला घोड़ा देखते ही कहने लगा, कहिए गुरु भाई कैसे आना हुआ। जारवीर भाई अपनी सपने की बीती कहानी सुनाने लगे, भैया मुझे सपना हुआ, समुद्र पार गए राजा संजय की पुत्री सीरियल के साथ मैंने 3.5 भामरे डाली, अब तुम मेरे साथ चलो तो मैं उस राजकुमारी से अपना सपना सच करना चाहती। नीला घोड़ा हंसी उड़ाने लगा, कहने लगा, भैया तुम ये क्या कह रहे हो, अरे सपने में जैसे तुमने किसी सुंदर राजकुमारी को देख लिया तो जाको मतलब तुम समुद्र पार जाके कैसे तैयार हो गए, जो बात बढ़िया ना। नीला घोड़ा के वचन सुन जारवीर कहने लगे, भैया तुम मेरी हंसी उड़ा रहे, ऐसी नारी मैंने देखी सपने में बहुत सुंदर, ऐसी नारी मैंने देखी सपने में और तू लखिले तो मरी जा तो। राजकुमारी बहुत सुंदर थी। नीला घोड़ा कहने लगा, ठीक है भैया जब इतनी सुंदर राजकुमारी थी चलो हम चल रहे हैं तुम्हारे साथ। नीला घोड़ा चलने के लिए तैयार हो जाता है। जारवीर कहने लगे, भैया नीलम चलो। सुन घोड़ा भैया जल्दी तैयारी करियो, संगमी हमारे चलियो, सात समुंदर करियो पार।
वहीं पे सीरियल आवेगी, वहीं पे सीरियल आवेगी, सीरियल से बात करियो भैया, जल्दी तैयारी करियो, संग में हमारे चलियो, साथ समुंदर करियो पार जी। और हम तो बात करें सीरियल से पहराया को लगाना, हम तो बात करें सीरियल से पहराया को लगाना, और जो कोई पास आए बगिया के, जो कोई पास आया तरीके से जारवीर माँ बाछल के पास में आए। माँ बाछल देखते ही समझ जाती है कि अब ये मानने वाले नहीं है, समझा रही है बेटा तन्नो लगरी मत जाओ, क्योंकि राजा संजय से हमारा साथ उसका बैर भाव है। और देखत छेड़ गो दंगर बेटा साबू समझावे, तुम्हें देख 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 के लड़ाई छेड़ देगा, इसलिए माता बाशल नीला घोड़ा को समझा रही, बेटा नीलम तुम जैसे ही जाली पाई रे नीलम मेरे बछड़ा को, उसी तरीके से मिला दे। नीला घोड़ा कहने लगा माँ तुम ये कैसी बातें कर रही हो, अरे परदेश में हमारी दुश्मनी है, इसका मतलब हम क्या दूर बता से जो दुश्मन हमें गोल करके पी जाएंगे। नीला घोड़ा जवाब देने लगा माँ करो, समझा देता है और आगे को चले। ददरबा नगर छोड़ देते, माता बाछल रोती रह जाती है। जारवीर कहने लगे भैया जल्दी जल्दी चलो,
की घोड़ा उड़ जाए हवा के साथ, वो सीरियल से करा दे मेरी दो बात, थोड़ी परेशानी है सुन नीलम मेरे हाथ, थोड़ी परेशानी है सुन नीलम भैया। समुद्र को पार करके एक मिलेगा बाग जना, सपने की बात निभानी है सुन नीलम मेरे, थोड़ी परेशानी है सुन नीलम मेरे। इस तरीके से जहारवीर समुद्र पर पहुंचे, समुद्र की दशा देखी हैरान हो गए, मन में विचार करने लगे मैं इस समुद्र को कैसे पार करेंगे, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। गुरु गोरखनाथ का ध्यान करते हैं, समुद्र में स्नान करते हैं तो समुद्र के किनारे एक बूढ़ी डोकरी बैठी हुई दिखाई देती है। उस बूढ़ी डोकरी के पास में पहुंचते हैं और पूछने लगे, मैया तुम यहां कैसे आए? मां कहने लगी, बेटा मैं बेमाता हूं और मैं जूरी लगा रही हूं। और समझाने लगे, बेटा मैंने अभी अभी तुम्हारी भी जूरी लगाई है। समझाने लगे मैया, अरे जा समुदा के पार, अरे हाथी है तंदुल नगरी, शादी होगी कैसे प्रमोद कुमार जी? आ तो प्यार तेरो हुई है बेटा चुप का चोरी से, आधा विवाह तुम्हारा चुप का चोरी से सीरियल के बाग में होगा जिसमें तुम राजकुमारी सीरियल गुरु गोरखनाथ नीला बछेड़ा होगा। सारे तीन बामरिया परी बेटा संजय के महलन में, और पाया ब्याह में खून की नदी आया रे बह जाई,
छुपा छुपा चोरी से होगा। साढ़े तीन भावरे बगिया में पड़ जाएंगी, साढ़े तीन भावरे राजा संजय के महल में पड़ेंगी, जिसमें इतनी लड़ाई होगी कि खून की नदियां बह जाएंगी। ऐसा बताया। जारवीर घोड़े के पास में आए, कहने लगे भैया वो कोई साधारण डोकरी नहीं थी। नीला घोड़ा कहने लगा भैया रास्ता पूछकर आयो या नहीं आए। जारवीर कहने लगे भैया रास्ता पूछने का तो मैं ध्यान ही नहीं रहा, बोला मैं भी पूछ करके आते हैं। पीछे मुड़ करके देखते हैं आज शक्तिमान तरधान उसको। नीला घोड़ा कहने लगा चलो भैया कोई बात नहीं, गोरखनाथ की कृपा से समुद्र को पार हो गया। जारवीर गुरु गोरखनाथ का ध्यान करते हैं और समुद्र को पार करने लगे। पार समुंदर उतरी के गुरु को रे मनाई, भूमि बिरानी पग धरी गुरु हुई ओ सदा सहा। जारवीर समुद्र को पार करके आगे को बढ़े हैं, एक तालाब मिलता है। तालाब अति सुंदर बना हुआ था, सीरियल के नाम की पटिया लगी हुई थी, बिश्रांतें बनी हुई थी, अति सुंदर जल भरा हुआ था। सुंदरता देखकर जारवीर उसमें स्नान करने की इच्छा करते हैं, वस्त्र उतार कर रख दिए और भैया गोगा जी झट ताला में धसी के करना लगे ऐसा नान गोगाजी झट ताला में धसी के भैया ताला में धसी के करना लगे ऐसा नान। सुंदरता देखते हैं, कभी स्नान करते हैं, बहुत देर हो जाती। नीला घोड़ा इधर गुस्से में होने लगा, मन में विचार करता है कि मनुष्य जाति बहुत ही मतलब की गर्जी होती, मतलब निकल जाने के बाद फिर क्यों पूछते। अचानक जब घोड़े का ध्यान आता है, एक लोटा जल लाकर के उसे नीला घोड़ा के सामने रख देते। एक लोटा जल को देखकर घोड़ा और ज्यादा गुस्से में हो जाता है, मन में विचार करता है बताओ खुद तो स्नान कर बेकार तालाब में चले गए, लौट के आए तो हमारे लाए सिर्फ एक लोटा जल, अब बताओ जब काका हो जाए। पाए धो ले कब पूछ धो ले कुल्ला कर ले नहा ले पी ले बताओ काका हो जाए। जब ऐसा सुना और नीला
दूसरा घोड़ा गुस्से में आकर कहने लगा, भैया हमें एक लोटा जल दिखा रहे। अरे नहा ले सरोवर ताल आपने रानी का, और लोटा रहे दिखाई हमें एक पानी का। हमें एक लोटा जल दिखा रहे हो? अरे हमने तुमसे यही वायदा किया था, मैं तुम्हें तन्नो लगरी पहुंचा देंगे। आई गई ससुराल तुम्हारी महलों में सीरियल प्यारी, आई गई ससुराल तुम्हारी महलों में सीरियल प्यारी, तीज मेहमान का अरे तुमने अपनी रानी के ताला में स्नान किया, हमें एक लोटा जल दिखा रहे हो? गुस्से में आ जाता है। जारवीर मन में विचार करते हैं, आज घोड़ा ज्यादा ही गुस्सा में आगे को बढ़े, कहने लगे भैया तुम हमसे नाराज हो गए और तुम मेरा साथ अभी छोड़ने की कह रहे हो। सुनो, अरे घोड़ा भैया आजू, अरे कहा तू मो पे रूठे, साथ छोड़ने की कह रहे हो? अरे हमारो तुम्हारो संग मरे पे ना ढुलकिया छूटे, तुम हमसे नाराज हो गए, मैंने अपनी रानी के ताला में स्नान किया। चार भी रास्ता खोल देते, कहने लगे जाओ तुम ही अपनी भाभी के ताला में स्नान करो। नीला घोड़ा एकदम से ताला में कूद जाता है, इधर से उधर दौड़ लगा करके सारे तालाब का पानी गंदा कर देता है, विश्रांतों को फोड़ देता है। जारवीर कहने लगे भैया अगर यहां कहीं तालाब के रखवाले आ गए तो हमें तो पकड़ करके जेल में डलवा दिया जाएगा, और तुम्हें कभी ऐसे पंजाब पे लगाए दो जाए जो रोजाना ईंट ढोने पड़े। नीला घोड़ा कहने लगा भैया तुम कैसे बांग्लादेश के चौहान में इसके ठाकुर जो इस तन्नो लगरी में छुप छुप करके घूम रहे हो, और इस तालाब का विनाश करना मेरी पहली चुनौती राजा संजय के लिए है। ऐसे कहता हुआ नीला घोड़ा बाहर निकला।
जारवीर घोड़े पर जी रखते हैं, आगे तो चले। बाग के फाटक पर पहुंचे, माली खड़ा हुआ था। माली से कहने लगे, भैया माली, अरे तुम इस बाग के फाटक खोल दो, तुम्हें थोड़ी सी देर विश्राम करेंगे और आगे को चले जाएंगे। माली कहने लगा, परदेसी क्या बोला? अरे सुन परदेसी, तू आगे जा, तू आगे जा, तू आगे जा, हर सुन परदेसी, तू आगे जा। माली बोला, परदेसी तुम कहीं आगे जाकर के विश्राम करना, तुम कहीं आगे जाकर के विश्राम करना। नीला घोड़ा कहने लगा, भैया अरे मैंने समुद्र को पार कर दिया, क्या इस बाघ की खाई को पार नहीं कर पाएंगे? जारवीर कहने लगे, भैया बगैर माली के राजी से बाघ के अंदर धसना अच्छा नहीं है। जारवीर 500 रुपये निकालकर माली को पकड़ा देते, माली खुश हो जाता है, बाग के फाटक खोल देता है। जारवीर बाग में दस्ते, बाग अति सुंदर बना हुआ था। जारवीर कहने लगे, भैया नीलम कितना सुंदर तालाब और कितना सुंदर ये बाग। सुनिए मेरे भैया, बगिया की क्यारी क्यारी, बगिया की शोभा न्यारी, फूली कैसी फुलबारी, रही है कैसी बाग में। नीला घोड़ा जहरा वीर बगिया में दोनों जारवीर बाग में। अरे नींबू पके अनार बाग में पकी रही है नारंगी, अरे नींबू पके अनार बाग में पकी रही है नारंगी, और शीतल चले समीर बाग में, चले समीरा बाग में खुशबू है ताजंगी, घोड़ा बांधो चंदन की डाली, बगिया की क्यारी।
भैया जार भी और नीला घोड़ा दोनों सुबह की सैर करते हैं। आगे चल करके नीला घोड़ा को बांध देते हैं। आगे बढ़कर के देखा जारवीर एक बंगला बना हुआ है, उसी बंगले में पलंग पड़ा हुआ है, उसी पलंग पर जारवीर सो जाते हैं, नींद आ जाती है। इधर नीला घोड़ा मन में विचार करता है, जारवीर ने तो फिर उन्हें पूछी बाग में कितने अच्छे अच्छे फल लगे। गुस्से में आकर के उस बाग का विनाश करने लगा, कच्चे पके फलों को नीचे गिरा देता है, अच्छा लगता है उसे खा लेता है, बाकी पैरों से कुचल देता है। इधर राजकुमारी सीरियल को सपना होता है कि मेरे बाग में कोई परदेशी आया है। सुबह होते ही राजकुमारी सीरियल अपनी मां सिरोजा के पास में पहुंच करके बोली, मैया अरे मैया देव डोला सजबाए नहाई पे सरोवर पे जाऊं हे मैया आरे घर घर से सखियां बुलवाए दे सजवा दो। मां सिरोजा देर नहीं लगाती क्योंकि गुलौती पुत्री थी, नायन को भेज करके बुलावा लगवा दिया। सहेलियां जब महल में आने लगी हैं तो राजकुमारी सीरियल भी सजने लगी। कैसे कि सीरियल आखिन कजरा सारी प्रमोद सीरियल आखिन कजरा सारी चली बनठन के बोसु कुमारी चुनरी ओड़ी कारी है सरोवर पे नाय वे जय रे सीरियल राजकुमारी है सरोवर पे नाय वे जय रे सीरियल राजकुमारी है और पहने तो बानन में कुंडल पहने तो कानन में कुंडल ऊंची एड़ी पहने सैंडल सूरत लागे प्यारी है सरोवर पहनाए रे जय रे सीरियल राजकुमारी है रच रही तो हाथन में मेहंदी रच रही तो हाथन में मेहंदी माथे लगी चमकनी पहनी सूरत लागे प्यारी है पायल पायल कमर कोननी लटके न्यारी है पायल पायल कमर कोननी लटके न्यारी है सुकुमारी चुनरी ओड़ी कारी है पायल पायल कमर कोननी लटके न्यारी है पायल पायल कमर कोननी लटके न्यारी है
राजकुमारी सीरियल सज सज के तैयार हो जाते हैं। दरवाजे पर डोले ने डोले सजा कर रख लिए थे। सीरियल के आदेश से सब सहेलियां अपने अपने डोले में बैठ जाती हैं। चलिए सब सहेलियां आस्ती गाती हुई जा रही। एक सहेली कहने लगी, बहना कछु होशियारी से चलियो, कुछ अशगुन हो रहे हैं। आज तालन पे बच कर चलोरी सकी, आज तालन पे बच कर चलोरी सकी, और मेरी प्यारी सकी बहन सीरियल सकी। राजकुमारी सीरियल की सब सहेलियां आस्ती गाती आ जाती हैं। तालाब की दशा देखी राजकुमारी सीरियल रोने लगी। विनाश देखा है, सहेलियां समझा रही हैं, अरे बहन ये क्या हुआ। राजकुमारी सीरियल आंखों में आंसू भर के कहने लगी, अरे खो पौआ रे न खायो गुइया, कौआ तू समनने कर दिया। रोई रही बेचार बादिना सीरियल राजकुमारी, सैनिया समझाने लगी, बहन रोई धोई का सुनाई मिली है, सुनियो राजकुमारी, हमारी सीरियल की सहेलियां समझा करके लेके बगिया पे आए। माली सो रहा था, सोते हुए माली को देखकर राजकुमारी सीरियल गुस्से में आ जाती, मारने पीटने लगी। माली हड़बड़ा कर उठ खड़ा होता है, रोता चिल्लाता है। माली के रोने और चिल्लाने की आवाज बाग के अंदर नीला बछेड़ा सुन रहा था। घोड़ा मन में विचार करने लगा, बताओ इस माली बेचारे की क्या गलती है जो ये पिट रहा है। अरे तालाब का विनाश किया तो मैंने किया, और अभी क्या हुआ इस बाघ को देखे, क्योंकि घोड़े ने बाघ का भी विनाश कर दिया था। ऐसा विचार करके हींचने लगा, और घोड़े के हींचने की आवाज सुनकर के सब सहेलियां बोली, बहन अरे बाघ में से इस बाघ में तुम्हारा चोर है, माली को छोड़ो।
सीरियल जब बाग में दस्ती है, सामने नीला घोड़ा बना है। सहेलियां कहने लगी, बहन कितना सुंदर घोड़ा है, ऐसा घोड़ा बहन मैंने जीवन में नहीं देखा। नीला घोड़ा मन में विचार करता है कि पता नहीं जा मैं कौन सी राजकुमारी सीरियल हुई है। पहचान लेता है क्योंकि सीरियल गुरु जालंधर नाथ के वरदान से पैदा हुई थी। इनके चेहरे पर चंद्रमा के समान तेज था और राजा थे। पहचान लिया घोड़ा, क्या बोला, अरे भाभी मेरी राम, अरे राम तो ले लियो, और गलतियां जो कछू बन गई हमसे माफ कर लियो। क्षमा करना। जो घोड़े के शब्द सुने सैलियां कहने लगी, बहन कौन से भोड़े दे सको आई गयो बेना घोड़ा, घोड़ा आ गया। अभी तो मेरी सीरियल बहन कुआरी है, घोड़ा भाभी कह रहा है, है? कहने लगी सहेलियां, अरे इस घोड़े के देश में कैसी रीत है। नीला घोड़ा कहने लगा, सुनो हमारे देश में जय रीति है, चाहे कुआरी हो और चाहे विवाहिता हो, लेकिन कई सिमतें भाभी जाती है। गुरुजी पिटवे के लक्षण है। घोड़ा के सुन के बेनरे सीरियल को गुस्सा आई, अगर साइकिल लियो थोड़ी सहेली जाकी मार लगा। सहेलियां जाती हैं, संगी तोड़ करके सीरियल के हाथ में पकड़ा दी। सीरियल गुस्से में गाली गलौज करती है, आगे को बढ़ती है। कहने लगी, मक्कार हिम्मत कैसे हुई तेरी, तेरी हिम्मत कैसी पड़ गई ले, कहीं हम सब हो जाई। तेरी हिम्मत कैसे हुई, आगे तो जा रही है। नीला घोड़ा मन में विचार करने लगा, इतनी हरी संटी लाए हैं, इन एक और संटी अगर हमारी पीठ मार दी सिर्फ पीठी खा लो दीजिए। ऐसा विचार करके नीला घोड़ा क्या करता है, जैसे ही सीरियल बड़ी आया गाड़ी घोड़ा को मारन को
प्रतिष्ठित स्टूडियो की नई पेशकश राजकुमारी सीरियल भयभीत हो जाते। आइए सभी भक्त आगे की कथा वॉल्यूम नंबर 2 में सुनेंगे।